Now, let us start with our first question for today. From the following information, prepare balance sheet of Century Bank Limited as on 31st March 2006. Children, first thing, we need to prepare balance sheet. यहाँ पे clearly बोला है कि हमें balance sheet बनाना है of कौन से bank का? Century Bank का. तो आपको लिखना है सबसे पहले Century Bank. बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2006 एंड देन आपको ये बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा बनाना है. ठीक है, ओके, ये आपको बाय हेड होना चाहिए. नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन. करंट अकाउंट किस में आता है? करंट अकाउंट हमारा किस में आएगा? स्केड्यूल नंबर 3 कैश क्रेडिट, स्केड्यूल नंबर 9 कैश इन हैंड, स्केड्यूल नंबर 6 कैश विद आरबीआई, अगेन स्केड्यूल नंबर 6 कैश विद अदर बैंक, 7 मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, 7 गोल्ड आपका कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टमेंट में आएगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट 8, प्रिमाइसेस 10 फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर 10 फिक्स्ड एसेट, टर्म लोन 9 में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, शेयर कैपिटल 1, स्टैट्यूटरी रिजर्व 2, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन 2, फिक्स्ड एसेट फिक्स डिपॉजिट 3, सेविंग डिपॉजिट्स 3, करेंट अकाउंट. सी यहाँ पे भी करेंट अकाउंट है डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में भी आपका करेंट अकाउंट दिख रहा है आपको, यस और नो? तो करेंट अकाउंट यू कैन फाइंड ऑन बोथ द साइड, आपको दोनों साइड पे मिलेंगे. कहाँ पे मिलेंगे? डेबिट साइड में भी एंड क्रेडिट साइड में भी. ठीक है, तो जो डेबिट साइड वाला है ये जो करंट अकाउंट है ये स्केड्यूल नंबर 9 में आएगा चिल्ड्रेन, और ये जो करंट अकाउंट है क्रेडिट साइड वाला ये स्केड्यूल नंबर 3 में आएगा. इन शॉर्ट सारे डिपॉजिट्स 3 में आते हैं एंड अगर डेबिट में अगर करंट अकाउंट आता है तो वो 9 में आते हैं. ठीक है, देन करंट अकाउंट ये जो 520 है ये 3 में आएगा, और ये जो 28 है ये हमारा किस में आएगा? स्केड्यूल नंबर किस में आएगा? 9 में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, बिल्स पेएबल ये हमारा 5 में आएगा, बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक ये 4 में आएगा. ठीक है, बिल्स फॉर कलेक्शंस वेयर 18.10 लाख्स. बिल्स फॉर कलेक्शन देखिए यहाँ पे बिल्स फॉर कलेक्शन है ना ये 12th वाला, तो यहाँ पे 12th में आएगा. तो बिल्स फॉर कलेक्शन 18.10 लाख्स. एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट वेयर रुपीज 14.12, ये अगेन किस में आएगा आपका? एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट आपका आ जाएगा, दैट इज कंटिजेंट लाइबिलिटी क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नोलेजमेंट एज डेप्ट वेयर रुपीज 5.5 लाख्स, ये भी आपका किस में आ जाएगा? सॉरी, कंटिजेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट वन. सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? जस्ट मिनट, हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, करंट अकाउंट. करंट अकाउंट किस में आएगा? 9 में आएगा. सो लेट मी राइट डाउन करेंट अकाउंट 28. ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है वी हैव टू चेक. कैश क्रेडिट 812, कैश क्रेडिट किस में आता है? 9 में आता है. ठीक है, 812 डन. नेक्स्ट थर्ड वन, कैश विद आरबीआई कितना है? सॉरी, कैश इन हैंड 160, कैश विथ आरबीआई 37. कैश इन हैंड एंड कैश विथ आरबीआई दोनों किस में आता है? स्केड्यूल नंबर 6 में आ जाएगा. क्या आ जाएगा? यहाँ पे कैश इन हैंड कितना अमाउंट है? कैश इन हैंड इज 160 एंड कैश विथ आर बी आई इज 37. डन. नेक्स्ट,
मनी एट हाँ कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये दोनों के दोनों किस में आएंगे? स्केड्यूल नंबर 7 में आएंगे. तो स्केड्यूल नंबर 7 में मैं यहाँ पे लिखूंगी, फर्स्ट क्या है चिल्ड्रेन, दैट इज कैश विद अदर बैंक, कैश था मनी कॉल एंड नोटिस. चलिए कैश विद अदर बैंक अमाउंटेड था 155 एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस कितना है 210. डन. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे? स्केड्यूल नंबर 8 में आ जाएंगे. गोल्ड क्या था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज अमाउंटेड टू रुपीज 55 एंड 110. नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर किस में आएगा? फिक्स्ड एसेट, प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर दोनों फिक्स्ड एसेट में आ जाएंगे. ठीक है, 155 एंड 70, प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएंगे. प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर, प्रीमाइसेस हमारा कितना है 155 है एंड फर्नीचर कितना है हमारा 70. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, टर्म लोन, टर्म लोन किस में आएगा? आपके लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएंगे. टर्म लोन 792, सो 9th में आ जाएगा टर्म लोन. टर्म लोन का अमाउंट कितना था 792. ठीक है, चलिए हमारे डेबिट साइड पूरा हो गया. नाउ लेट्स प्रोसीड विद आवर सेकेंड ऑन द क्रेडिट साइड, शेयर्स कैपिटल 198. तो हमने यहाँ पे लिखा शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1 में आएगा ना 198. ओके नेक्स्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? स्केड्यूल नंबर 2 में आएंगे. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस. क्या था क्वेश्चन में, सॉरी प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर. नेक्स्ट क्या था, एक और था ना हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट डन. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या दिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, ये तीनों के तीनों डिपॉजिट्स कहाँ पे आ जाएंगे? 3 में आ जाएंगे. तो मैंने यहाँ पे 3 में लिखा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, नेक्स्ट करंट अकाउंट एंड देन चिल्ड्रन, करंट अकाउंट एंड देन सेविंग डिपॉजिट्स. फिक्स्ड डिपॉजिट विच इज अमाउंटेड टू रुपीज 517
एंड देन करंट अकाउंट हमारा कितना है 520, सेविंग डिपॉजिट्स इज 450, डन। बिल्स पेएबल 5 में आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 पेएबल, कितना है बिल्स पेएबल हमारा, दैट इज 6, ओके। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक इज 100, बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक किस में आएगा, 4 में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बोरिंग अमाउंटेड टू रुपीज, कितना आ जाएगा 100। चलिए अब नेक्स्ट कमिंग टू आर एडजस्टमेंट्स, बिल फॉर कलेक्शन इज 18.10, तो बिल फॉर कलेक्शन इज 18.10, तो यहाँ पे मैंने लिखा 18.10, चलिए डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कंटिंजेंट, हाँ नेक्स्ट आपके एडजस्टमेंट क्या है, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट वेयर 14.12, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजमेंट एज डेप्थ वेयर रुपीज 5.5 लाख, ये दोनों के दोनों चिल्ड्रन ये किस में आते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आता है। तो मैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी ड्रॉ करूंगी एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी में मैं लिखूंगी एक्सेप्टेंस क्लेम एक्नॉलेज एज डेप्थ, रेवती इज नॉट देयर इन द क्लास, रेवती है कि नहीं है, 14.12 एंड देन 5.50, डन। चलिए एडजस्टमेंट्स हो गया, अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे एक थोड़ा इशू है, इशू नहीं बोल सकते, एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व 231 है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 150 एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज 412, तो आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करना होगा। अगर आपको याद होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक आता था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें सबसे पहले आता था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर टोटल आता था एंड देन टोटल आने के बाद हम क्या करते थे, ओके हम क्या करते थे, अप्रोप्रिएशन लिखते थे, अप्रोप्रिएशन में हम क्या करते थे, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व के बाद ट्रांसफर टू डिविडेंड, ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट, ओके, एंड देन उसके बाद हम टोटल करते थे अगर आपको याद होगा। तो चिल्ड्रेन
ये जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ये हम लोग कहाँ से डिराइव करते थे? जब हम इनकम माइनस एक्सपेंस करते थे. क्या करते थे? इनकम माइनस एक्सपेंस. ठीक है, तो हमें मिलता था, क्या मिलता था हमें? प्रॉफिट एंड लॉस. तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्वेश्चन में कितना दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर? प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 150. चिल्ड्रेन ये देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 150. तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 150, मैंने लिख दिया 150. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वाला कौन सा अमाउंट है? ये वाला अमाउंट है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 412, मैंने यहाँ पे लिख दिया 412. यस, 412. अब इसका टोटल करना है. टोटल कीजिए मुझे बताएं कितना आंसर आएगा. 562 आंसर आ गया. इसका जो टोटल है चिल्ड्रेन, इसके जो टोटल है वो अप्रोप्रिएशन के टोटल के साथ इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 562 आना चाहिए. ठीक है, अभी ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व में हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे करेंट ईयर का प्रॉफिट है उसका 25% हम ट्रांसफर करते हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा करेंट ईयर प्रॉफिट कितना है? देखिए 150, ये हमारा करेंट ईयर प्रॉफिट है ना, जिसे मैंने येलो से हाईलाइट किया है. उसका 25% हम निकालते थे ना, तो आप मुझे बताएं 150 का 25% कितना होगा? 150 का 25% इज 37.20. ट्रांसफर टू डिविडेंड दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, ट्रांसफर टू डिविडेंड क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम निल लिखेंगे. एंड बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट हम माइनस करेंगे. क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे. चलिए माइनस कीजिए 37.20 माइनस कीजिए 562 से, और मुझे आंसर बताएं कितना आएगा. माइनस कीजिए 524.8. 562 माइनस 37.20, आंसर कितना आया? 524.8. ठीक है, चलिए अब ये दो 562 कीजिए ना, ये 32 लिखा है आपने. बैलेंस कैरेट आउट बैलेंस 562. ओके, नाउ ये जो है जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन से, ठीक है, ये दोनों जो अमाउंट है ये हमारे किस में आ जाएंगे? स्केड्यूल नंबर 2 में आ जाएंगे. किस में आ जाएंगे? स्केड्यूल नंबर 2. तो स्केड्यूल नंबर जो 2 था हमारा, आप देखेंगे ये कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग ने वहां पे एडजस्ट कर लिया ना, तो ऑलरेडी हमारा जो स्टैट्यूटरी रिजर्व था. चिल्ड्रेन क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना था? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व इज 231, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टैट्यूटरी रिजर्व ओल्ड कितना है? 231 प्लस एडिशनल यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व अभी हमने एडजस्टमेंट में निकाला ना, ये देखिए ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 37.20, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल. कितना आ जाएगा? 37.20. ठीक है, चलिए ऐड कीजिए और मुझे अमाउंट बताइए कितना आ जाएगा टोटल स्टैट्यूटरी रिजर्व. 268.20. ठीक है, चलिए डन हो गया. नेक्स्ट, उसके बाद अब क्या और क्या लेना था हमें बैलेंस शीट में? ये वाला अमाउंट लेना है, 524 लेना है. ठीक है, 524, ये दोनों जो है हमेशा बैलेंस शीट में जाते हैं. मैंने आपको दिखाया था, लेकिन एक्चुअल आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से वो बैलेंस शीट में जाता है. तो 524.8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा चिल्ड्रेन? 524.8. इसे हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रेन? प्रॉफिट एंड लॉस. क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड हम और
सम सॉल्व करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे. डन विद दिस. चलिए अब मुझे सबका आप टोटलिंग बता दीजिए. कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन दोनों को ऐड कीजिए और मुझे आंसर बताइए. दैट इज 19.62. ठीक है. और अदर एसेट है वो तो निल है. ठीक है, वहां पे मैंने निल लिखा है. ओके कुछ है ही नहीं निल. उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 225. ओके नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कीजिए, मुझे बताएं कितना आ जाएगा अमाउंट. 28 प्लस 812 प्लस 792. आ गया. ठीक है, कितने आ गए 1632. नेक्स्ट इन्हें ऐड कीजिए कितना मिलेगा आपको 165. नेक्स्ट 7 ऐड कीजिए कितना मिलेगा मुझे 365. नेक्स्ट 160 प्लस 37 दैट इज 197. This would be 6 and again this would be 100. अब आप ऐड कीजिए इन्हें सारे डिपॉजिट्स को 10, 14, 8 and 7 तो 1487 आ जाएंगे. एंड देन आप 2 को ऐड कीजिए. 2 को ऐड कीजिए कितना मिलेगा 13, 1 carry, 8, 9, again 7. Okay, 0.8. चलिए अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. शेयर कैपिटल 198, मैंने यहाँ पे लिखा 198. डन. सेकेंड क्या है हमारा स्केड्यूल 2, 793.8. तो 793.8. नेक्स्ट थर्ड कितना है 1487. नेक्स्ट फोर्थ बोरोविंग इज 100. नेक्स्ट फिफ्थ कितना है हमारा 6, अगेन 6, फिफ्थ वुड बी 6. चलिए इनका टोटल कीजिए, आप मुझे बताएं टोटल बताएं चिल्ड्रेन. 6 is 197. आप बताएंगे टोटल मुझे. मैम जरा ऊपर, हाँ एक मिनट. 2584.8. ठीक है, चलिए सिक्स्थ हो गया. सेवेंथ कितना है 365. मिस बोलिए. रेखा ज्वाइंट होने की कोशिश कर रही है, उसका ना अपडेट नहीं हुआ था, लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए ना. मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ, उसका नहीं हो रहा है तो. यहाँ से भी नहीं हो रहा है. नहीं अभी अभी अपडेट किया उसने, अभी हो रहा है. हो गया हो गया हो गया. इन्वेस्टमेंट हो गई. मैं इन्वेस्टमेंट दैट इज 8 इज 165. सो 165 एडवांसेस. नाइन्थ वन इज 1632. टेंथ फिक्स्ड एसेट 225. चलिए आप मुझे इसका टोटल करके बताइए. 225 एंड यहाँ पे तो निल है. ठीक है, चलिए टोटल बताएं मुझे. 197 प्लस 365 प्लस 165 प्लस 1632 प्लस 225. 2584.
बट वहाँ पे 8 आ रहा है ना, तो एक काम कीजिए आप इनको 8 को निकाल दीजिए, ऊपर का 8 निकल। हाँ This we have completed our second sum which was based on balance sheet. तो balance sheet में आपको सिर्फ एक ही issue आया होगा, ये वाला statutory reserve, profit and loss and profit and loss. तो ये जो statutory reserve है, फिर से मैं revise कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। statutory reserve जो है 231, ये आप सबसे पहले schedule number 2 में डाल देंगे। ये देखिए old जो है ना, ये है हमारा statutory reserve, okay? ये आप स्केड्यूल नंबर 2 में डाल देंगे 231। उसके बाद कभी भी क्वेश्चन में अगर ये दिया रहेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो ठीक है, बट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया रहेगा दैट मींस हम लोग को दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट हमसे बोला गया है कि आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट क्या बताता है चिल्ड्रेन, कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 150 एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 412। ये क्वेश्चन में दिया है, इसका हम टोटल करेंगे 562। आपको पता है अप्रोप्रिएशन में जो करंट ईयर का प्रॉफिट रहता है 150, उसका हमें 20% स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना होता है। तो 150 का 25% निकालेंगे तो 37.20। आपको पता है कि इसका टोटल, किसका टोटल यहाँ पे, हाँ ये जो है टोटल 562, अप्रोप्रिएशन का जो टोटल रहता है 562, ये टैली होता है। तो यहाँ पे भी 562, यहाँ पे भी 562, यस। फिर उसके बाद ये कितना आया 37.20। आप बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट कैसे करेंगे चिल्ड्रेन, कैसे करेंगे आप बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट, माइनस करेंगे 562 माइनस 37.20, आपको मिल जाएगा 524.8। तो यहाँ पे ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये आपको बैलेंस कहाँ पे डालना है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो स्केड्यूल नंबर 2 में, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख गया एडिशनल, आपको एडिशनल दिख गया, तो ये एडिशनल देखिए कितना है 37.20, ठीक है। ये 37.20 ऑलरेडी जो स्टैट्यूटरी ओल्ड था वो कितना है 231, दोनों को प्लस किया तो 268। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 524, ये कहाँ से लिया, ये हमने यहाँ से लिया, ये वाला दिख रहा है आपको ग्रीन में 524, तो ये 524 हमने बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफर कर दिया 524। दैट्स इट, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, यस और नो, समझ में आया होगा, यस मैम, यस मैम, ओके ठीक है। मैं आपको ये भेज रही हूँ एंड अभी नेक्स्ट लेक्चर से थोड़े हार्ड सम्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल एंड डू अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग चाहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय। व्हाट अबाउट रेवती, रेवती है,